सलमान का बर्थडे हो और कोई सरप्राइज ना मिले भाईजान के राज में, ऐसा हो सकता है क्या? कल रात जैसे ही 12 बजे वैसे ही सलमान के जन्मदिन का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, जहां से काफी सारी वीडियोस और फोटोज सामने आई। अब लोगों को दिल थाम कर सलमान की अगली फिल्म के अनाउंसमेंट का वेट हो रहा है और ये शुभ काम भी हो चुका है। जी हाँ, बिना देरी और बिना कुछ ज्यादा रिवील करे सलमान की नेक्स्ट फिल्म पाइपलाइन में कौन सी है ये सामने आ गया है। दरअसल सलमान के बर्थडे पर फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलिब्स तक हर कोई ढेर सारी बधाई दे रहा है। रितेश देशमुख से लेकर नेहा धूपिया तक सेलिब्स ने भाईजान को जन्मदिन की बधाई दी। इसी फहरिस्त में सलमान के बर्थडे पर उनके दोस्त करण जौहर ने फिश के साथ फैंस को एक खास तोहफा भी दे डाला है, जिसके बाद भाईजान के फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। करण जौहर ने सलमान के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। सलमान खान ने करण जौहर के कुछ कुछ होता है में काम किया था। इस फिल्म से ही करण जौहर ने डायरेक्शन में कदम रखा था। इस फिल्म के बाद से दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन अब 25 साल बाद दोनों एक बार फिर से साथ में काम करने जा रहे हैं। करण जौहर ने सलमान खान की अमन के किरदार की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 25 साल पहले मैं एक पार्टी में खोया हुआ और कंफ्यूज था। एक बड़ा फिल्म सितारा मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि मैं एक कोने में क्यों खड़ा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं एक किरदार के लिए कई एक्टर्स के पास गया था, लेकिन विनम्रता से सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सुपरस्टार की बहन मेरे करीब है, इसलिए उसने विनम्रता पूर्वक कहा कि उसने मेरी स्क्रिप्ट के बारे में बहुत बात की थी और ये कि मुझे अगले दिन उनसे मिलकर फिल्म सुनानी चाहिए। इसके आगे करण ने यह भी बताया कि वो अलवीरा और उनके पिता यश जौहर के आभारी हैं, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी फिल्म में परफेक्ट अमन हो। इसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि वो एक प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर सलमान खान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जन्मदिन मुबारक हो सलमान, आपके लिए हमेशा इतना प्यार और सम्मान, साथ ही 25 साल बाद हमारे पास फिर से बताने के लिए एक कहानी होगी। जन्मदिन मुबारक हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद से फैंस ने अंदाजा लगा लिया है कि सलमान की नेक्स्ट मूवी अब करण जौहर के साथ 110% पक्की हो गई है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट कब तक होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।